एक और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। और बड़ी खबर ये, छत्तीसगढ़ के कांकेर में देश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सल मुठभेड़ हुआ है, सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया था। कांकेर एनकाउंटर में अब तक ये संख्या 29 पहुंच गई है। नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, उनको मार दिया गया है। देश में इससे पहले कभी इतने नक्सली एक मुठभेड़ में, इतने एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज नहीं किए गए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां कांकेर के छोटे बेटिया इलाके के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अब तक 29 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर क्या कहा है, जरा आपको सुनाते हैं। कांकेर और नारायणपुर के मध्य क्षेत्र में माड़ के आसपास बहुत बड़ी सफलता है। दो अंकों में ऐसे है कि नक्सली मारे गए हैं, इनकी संख्या दो अंकों में हो सकती है, 15 से तो आगे ही है। और बहुत सारा असला भी बरामद हुआ है, SLR है, इंसास है, AK-47 है, ऐसे बहुत सारे आयुध भी बरामद हुए हैं उसमें। ये घोर आतंक फैलाने वाले लोग थे जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया। विजय शर्मा गृह मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में असलहे बरामद हुए हैं, ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। और मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी जुड़े हुए हैं, नक्सल मामलों के एक्सपर्ट अजय चंद्राकर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विकास आपके पास आ रहा हूं, ये संख्या अब 29 पर पहुंच गई है और हमारी टीम ने बताया है कि ये देश में एंटी नक्सल अभियान के तौर पर अगर देखें तो ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक के अगर आंकड़े अगर आप देखें तो 29 एक बड़ी संख्या है और देश में अब तक एक साथ माओवादियों को टारगेट करके इतनी बड़ी संख्या फल प्राप्त नहीं हुई थी जवानों को सफलता के तौर पर। गढ़चिरौली के बॉर्डर पर एक मौके में था जब दीपक तेंतुमड़े को टारगेट किया गया था, उस वक्त भी लगभग संख्या जो है 27 की थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। और अभी भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती, हो सकता है संख्या 30 से 35 तक जाए। हालांकि इसकी पुष्टि अभी हम एनडीटीवी नहीं करता क्योंकि जब तक अधिकारी इस बात की पुष्टि ना कर दें तब तक आप इस बात को नहीं माने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये मुठभेड़ 16 मार्च को भी बड़ी हो सकती थी, 16 मार्च को भी इसी तरह से शंकर राव को ही टारगेट करके माओवादियों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था, लेकिन उस वक्त अगर आपको याद हो तो नागेश को जवानों ने मार गिराया था और मौके से AK-47 भी बरामद किया था। 10 लाख का इनामी था नागेश, उस वक्त भी शंकर राव को ही घेरा गया था और उसी की उसके आने की सूचना पर ही जवानों ने बहुत ही परफेक्ट ऑपरेशन को लॉन्च किया था। हालांकि उसमें हमने अपने एक बस्तर फाइटर के जवान को भी खोया था, लेकिन अब उसका बदला बड़े नुकसान देकर जवानों ने लिया है, उसी इलाके में लिया है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि ये आज दोपहर 12 बजे से ये जो मुठभेड़ चली, आप अंदाज लगाइए कि लगभग 4 घंटे तक माओवादियों को उनके ही मजबूत आधार इलाके में घेर कर जवानों ने चारों तरफ से घेर रखा था, उनको भागने का मौका तक नहीं दिया। और यही वजह है कि जो मारे गए माओवादियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले दुखद सूचना ये निकल कर आई कि 2 जवान घायल हुए इस मुठभेड़ में, लेकिन जैसे जैसे घटना अपडेट होती गई ये जवानों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली सूचना निकल कर आई कि किस तरह से मारे गए माओवादियों की संख्या बढ़ती गई है। जो अभी तक 29 पे है, कार्बाइन AK-47 इंसास और LMG जैसे हथियार ऑटोमेटिक वेपन है जो कि मौके से बरामद किए गए हैं। आपको बताऊं कि माओवादी संगठन में सबसे मजबूत चीज होता है उनका हथियार, जो कि एक विचारधारा का हथियार और साथ ही साथ लड़ने के लिए सब ऑटोमेटिक वेपन। और जब भी माओवादियों के मुठभेड़ में अगर उन्हें नुकसान होता है तो वो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि अपने साथी, मारे गए साथी या घायल साथी को मौके से बाहर निकालें, और उससे पहले उनकी कोशिश होती है कि अपने साथियों के जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं जो मौके पर गिर गए उन्हें अपने साथ किसी तरह लेकर जाएं, क्योंकि हथियार का नुकसान उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। मुझे लगता है कि बीते दिनों भी माओवादियों ने एक पत्र जारी किया था, मैं पहले भी बता रहा था, उन्होंने किस तरह से बताया था कि उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान बीते 4 महीने हुआ है और अब तक उन्होंने 50 साथियों को अपने खोया है और अब तो ये संख्या 30 की और हो गई है और एक ही दिन में। तो मुझे लगता है कि माओवादियों के आधार स्तंभ को हिला देने वाला उनके
जो बड़े नहीं उस, उस जो वो जो उनके प्रवक्ता की तरफ से जो वो लेटर जारी किया गया था उसमें मुझे तो वही लगा था कि ये किसी तरह की सिंपैथी जुटाने की कोशिश है या नए कैडर को आकर्षित करने की कोशिश है। अब मैं जरा अजय जी के पास जा रहा हूँ। चंद्राकर जी, मेरा आपसे सवाल बड़ा सीधा सा है सर, कि क्या उसकी एक्सपायरी खत्म हो गई जो 1-2 महीने पहले खुद विजय शर्मा ने कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने जो वो पोस्ट की थी, वो जो एक अपील की थी कि आप बात करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बात करिए, उसकी एक्सपायरी खत्म हो गई क्या? और आज की ये घटना शायद इशारा भी करती है उस तरफ कि अगर आप वैसे नहीं मानेंगे तो ऐसे सही। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए संवाद की बात जो गृह मंत्री किए थे उसको जिस तरह से एक प्रकार से उसके प्रति सजग और डायनामिक होना चाहिए था, वह तो माओवादियों के तरफ से दिखाई नहीं दिया, बल्कि वे तो शर्त रख रहे थे। दूसरी बात है, ये बहुत बड़ी सफलता है और ये ऐसा ऐतिहासिक सफलता है आसिफ जी, क्योंकि सुरक्षा बल अब जिस तरह से पहले वहां पहुंचते थे उसके बाद उनको समझने में जो टाइम लगता था, और अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए स्थानीय पुलिस से लेकर के सुरक्षा बलों में कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तालमेल दिखाई दे रहा है, और गुप्तचरी के मसले के ऊपर जो पूर्व में कुछ समय पहले यहाँ आपके यहाँ NDTV में संवाद हो रही थी उसमें भी सुरक्षा बल काफी स्ट्रांग हुए हैं, और चाहे सामाजिक क्षेत्र में आपस में कम्युनिकेशन, आदिवासियों को लगता है, देखिए 80 के दशक के बाद से पूरा मोनोपोली वहां माओवादियों का था, अब सुरक्षा बल जिस तरह से प्रवेश कर रहे हैं, 80 कैंप मान लो कुछ महीनों के अंदर खुल गया, मतलब अगर हम 5-5 किलोमीटर की ही बात करें तो कितने सारे गांव हो जाते हैं, तो वो जो आम भोले भाले नागरिक हैं, नोबल सेवेज हैं, वो भी इनके संपर्क में आ रहे हैं, और यहाँ पर चौतरफा रणनीति के अनुसार फोर्स आगे बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, और निश्चित रूप से माओवादियों को जो नुकसान होता है तो उनका मनोबल तो बहुत ही ज्यादा गिरेगा आसिफ जी। जी, और इस पूरे टाइम पीरियड में मैं जब ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था PLGA की भूमिका की, ऐसा लगता है कि नक्सलियों की अलग अलग जो विंग हैं जिसमें PLGA भर्ती अपना संगठन देखता था, ऐसा लगता है कि वो भी कमजोर हो रही हैं। नए कैडर पता नहीं कितने उत्साही हैं कि नहीं है, और इसी वजह से शायद प्रवक्ता उनके सामने आते हैं, वो एक लेटर जारी करते हैं, बताते हैं हमको इतना नुकसान हुआ है, हमारे इतने साथी खो गए, जबकि ऐसी चीजें पहले इतनी हमने कॉमन देखी नहीं। ये शायद सिंपैथी जुटाने का ही एक हथकंडा है। मैं इस वक्त अजय जी लौट रहा हूं आपके पास, और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अब तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन यह संख्या और बढ़ सकती है। कांकेर में नक्सलियों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि एनकाउंटर साइट पर अभी और शव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सर्चिंग जारी है, ऑपरेशन वहां पर जारी है, ऑपरेशन सर्चिंग का जारी है, लगातार सुरक्षा बल वहां तलाश कर रहे हैं, जबकि अंधेरा हो चुका है, उसके बावजूद वहां लगातार शव बरामद हो रहे हैं। भौगोलिक स्थितियां जरा जानने की कोशिश करता हूं। विकास, ये जो छोटे बेटिया का इलाका है, आसपास से यहां कोई बड़ा नाला नदी भी गुजरती है क्या? जैसे हमने देखा, नीलेश ने बताया, गढ़चिरौली में 2-3 दिन तक शव बहते चले गए, बह बह के बहुत दूर दूर मिले, तो इधर छोटे बेटिया में कोई बड़ा नाला नदी भी है क्या एनकाउंटर साइट के आसपास? देखिए छोटे बिटिया के जो इलाका है, जिस इलाके में आपको इस टेरेन को बताऊं तो ये महाराष्ट्र का इलाका और साथ ही साथ अबूझमाड़ का इलाका और कांकेर का जो पखांजूर का इलाका है, जो परतापुर का इलाका है, उस इलाके के बीच का इलाका है, और माओवादियों का बहुत कोर इलाका माना जाता है। नदी भी है, और साथ ही साथ यही वजह है कि नदी के उस तरफ में माओवादियों के लिए बहुत अनुकूल माहौल है, क्योंकि जब भी फोर्स वहां पे आती है तो उनके आने से पहले उन तक सूचना मिल जाती थी, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित इस इलाके में माना करते थे, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे, और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी अनुमान नहीं था इस बात का कि एक बार फिर से जिस तरह से 16 मार्च को जवानों ने उन्हें उस इलाके में घेरा था, दोबारा फिर से उन्हें उनकी ईमान में घेर लिया जाएगा। और जिस तरह से आपने कहा कि PLGA का जो एक पत्र जो सेंट्रल कमेटी ने जारी किया, मैं आपको ये भी बताऊं कि एक सबसे अंदरूनी और विस्तृत सूत्रों की खबर है माओवादी संगठन के अंदर से। बीते दिनों बीजापुर के, अगर आपको याद हो, चोरचोली के 13 माओवादियों का, या फिर किपुल भट्टी में जिस तरह से 6 माओवादी जो मारे गए थे, केवल उस मुठभेड़ से माओवादियों के निचले कैडर को इतना आघात पहुंचा था कि 2 DVCM और 9 ACM जिसमें से कि 2 पति पत्नी भी हैं,
इन्होंने संगठन छोड़ने का फैसला ले लिया था उसी वक्त, जो कि किश्तार मीडिया कमेटी के आसपास सक्रिय थे। उनमें से दो लोगों ने तो बीते दिनों सुकमा में सरेंडर भी कर दिया, और बाकी जो माओवादी है नौ, जिसमें एसीएम भी है नौ, उन्होंने तेलंगाना में जाकर समर्पण करने का फैसला लिया है और कहीं ना कहीं पुलिस के संपर्क में भी। जिस तरह से आज एक जो बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ है, मैं पहले भी बता रहा था कि ये माओवादियों को निश्चित तौर पर अंदर तक हिलाकर रख देगा, क्योंकि जो बस्तर के आदिवासी हैं जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी कंडीशन पर आकर माओवादी संगठन को उन्होंने ज्वाइन किया था। जब कलवा जुलूम शुरू हुआ था उस समय उन्होंने संगठन को ज्वाइन किया था, लेकिन अब जिस तरह से वो देख रहे हैं लगातार कि उनके ऊपर अटैक बढ़ रहा है, तो उन्हें इस बात पर अपनी सलामती नजर आ रही है कि या तो समर्पण कर दें या संगठन छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। दोनों बात के पुख्ता सबूत है हमारे पास कि किस तरह से बीते दिनों सुकमा में दो बड़े 8-8 लाख के माओवादियों ने समर्पण किया, और यह भी इस बात का प्रमाण है, मैं कुछ देर पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस तरह से बालाघाट में अगर दो माओवादी मारे जाते हैं तो उसमें सुकमा की महिला माओवादी पाई जा रही है, उसकी शिनाख्ती हो रही है। गरियाबंद में एक माओवादी मारी जा रही है जिसकी शिनाख्ती सिलगेर से हो रही है कि वो सिलगेर की रहवासी है, और 2017 में इस बात की पुष्टि हुई थी कि लगभग 2 दर्जन माओवादी विस्तार दलम के तहत मध्य प्रदेश की ओर चले गए हैं, जो कि बस्तर के बीजापुर और सुकमा इलाके के कोर इलाके के माओवादी। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आ गई हैं, देखिए मैं लौटता हूं आपके पास। ये देखिए, ये है चॉपर एयरफोर्स का जिसके जरिए से घायलों को ले जाया गया, तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और खबर ये भी आई थी कि पहले जो चॉपर भेजा गया था वहां पर मुफीद जगह नहीं मिल पाई थी लैंडिंग की, इसलिए वापस उसे किया गया था, और उसके बाद में जो रात में लैंड कर सके, रात में ऑपरेशन को अंजाम कर सके, इसको लेके एयरफोर्स का ऐसा चॉपर चुना गया था। और अमूमन इस तरह के ऑपरेशंस में आपने देखा होगा एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है, रशियन मेड हेलीकॉप्टर, और इसकी कई खासियतें हैं, इस तरह के ऑपरेशंस में उसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी अंधेरा ज्यादा है, इसे देखकर पहली नजर में अंदाजा लगाया जा सकता है शायद ये MI-17 ही है जिसे ऑपरेशन में लगाया गया है। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र उपाध्याय जी, रिटायर्ड एडिशनल SP, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमें शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। उपाध्याय सर, मैं आपसे जरा यहाँ की डेमोग्राफी ज्योग्राफी जरा समझने की कोशिश करूंगा। छोटे बेटिया का ये माड़ इलाका, अभी तक 29 नक्सली मारे गए हैं, आपको याद आता है इससे बड़ा कोई एंटी नक्सल ऑपरेशन आपके वक्त में या हाल फिलहाल में आपको कोई याद आता है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को मार गिराया गया हो? नहीं सर, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, इतनी लंबी संख्या में कभी नक्सली मारे नहीं गए हैं। अभी जरूर 15 दिन पहले एक जो एनकाउंटर हुआ था दक्षिण बस्तर में जी, वहां जरूर मारे गए थे, लेकिन आज जैसे बता रहे हैं कि 18 या 19 बॉडी रिकवर्ड हुई है और सर अपडेट है 29 अब तक रिकवर हो गए, बॉडी रिकवर कर ली है। अच्छा, नहीं मैंने न्यूज में देख रहा था कि 18 रिकॉर्ड होगा, 29 है, इट्स वेरी गुड न्यूज। और मैं इस इलाके में बहुत पहले, आज से 20 साल पहले काम किया हूँ, उस समय तो बहुत कम फोर्स हुआ करता था और यहाँ जाना बड़ा दुर्गम हुआ करता था जी, और हमको यहाँ जाने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, तो बहुत बड़ी व्यूहरचना बनाकर फिर हम लोग यहाँ जाया करते थे। उपाध्याय सर, इन 20 सालों में आप कितना बड़ा अंतर देखते हैं, उस वक्त किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ता था और आज वो क्या स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि आप बहुत बेहतर बता सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थितियां थी और अब क्या स्थितियां हैं। सर उस समय स्थिति क्या था कि मिनिमम फोर्स हुआ करता था, अपने पास जो थानों में फोर्स होता था बहुत कम होता था, और हमको मोस्टली CRPF या मतलब जो पैरामिलिट्री फोर्स है CRPF या BSF पर निर्भर रहना पड़ता था, या लोकल जो SF का फोर्स था छत्तीसगढ़ का, उस पर निर्भर रहना पड़ता था, और कैंप नहीं थे। अभी क्या हुआ कि 20 सालों में हर 10 किलोमीटर पे कैंप खुल गया है, संसाधन बढ़ गए हैं, रोडें ठीक हो गई हैं। उस जमाने में देती कच्ची रोडें होती थी कि हम लोगों का बम ब्लास्ट का डर रहता, इसलिए अक्सर हमको पैदल जाना पड़ता था। एक सवाल उपाध्याय सर और भी है, इन इलाकों में ये जो सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है, कैंप का खुलना हुआ है, इसके साथ साथ DRG जो वहां पर लॉन्च की गई, उसकी उसकी शुरुआत की गई, उस DRG में पूर्व नक्सली और वहां के लोकलाइट्स, वो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ बने हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन में? नहीं सर, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। DRG मुख्य तौर पर क्या होता है कि जो जंगल होते हैं उनकी जंगल की टैक्टिस और जंगल जो टेरेन होते हैं इसकी जानकारी मोस्टली जो एक्स नक्सली रहे उनको रहती है, या जो DRG के कर्मचारी अधिकारी वहां पर भ्रमण करने जाते हैं उनको होती है, अक्सर लोकल थाना पुलिस को उतनी जानकारी नहीं होती।
तो डीआरजी में जो भी शामिल होते हैं या सम्मिलित जो उसमें अधिकारी हैं कर्मचारी हैं और इसके अलावा जो एक्स नक्सली उसमें शामिल हुए हैं, इन सबों के कारण ही हम लोगों को ये सफलता अच्छी मिलती है। ठीक उपाध्याय सर, एक छोटा सवाल आपसे और, अगर एलएमजी AK-47 और इंसास लेवल की अगर ऑटोमेटिक वेपन मिल रहे हैं वहां से और बड़ी तादाद में मिल रहे हैं, तो एक मोटा मोटा अंदाजा आपका क्या लगता है कि इतने बड़े हथियार किस लेवल तक के अधिकारियों के पास वहां हो सकते हैं, किस लेवल के जो कमांडर है उनके पास हो सकते हैं, और जब कोई कमांडर कोई मीटिंग करता है तो उस वक्त क्या नफरी क्या तादाद रहती है नक्सलियों की उस लेवल की मीटिंग में? तो इस लेवल की मीटिंग में कम से कम ये 200 या 200 से ऊपर रहते हैं। मोस्टली क्या रहता है कि इनका जो कैडर होता है जी, कैडर के लोग मुश्किल से 50-60 रहते हैं, लेकिन ये लोग गांव वालों को जानबूझ के जोड़ के रखते हैं, जिसमें कभी कोई हमला हो या कोई घटना हो तो ये गांव वालों को शेल्टर ले सकें। और निश्चित रूप से जो बड़े टॉप लीडर्स हैं इनके पास 47 ही होती है, और उससे जो सेकंड लेवल होता है उस पे एलएमजी होती है, और थर्ड लेवल जो होता है वो इंसास का होता है। तो जो पर्टिकुलर जो बड़े लीडर है, जब पुलिस से एनकाउंटर होता है और कई बार पुलिस मुठभेड़ में ये लोग जब ये हमारे हथियार छीन लेते हैं या भाग जाते हैं तो यही हथियार इनके पास रहते हैं, वही AK-47 इंसास एलएमजी। तो अभी जो अच्छा रिकवरी हुई है AK-47 के 7 वेपन बता रहे हैं, इंसास के बता रहे हैं, एलएमजी भी 4 या 5 बताई जा रही है। इट्स अ गुड रिकवरी एंड गुड वर्क फॉर छत्तीसगढ़ पुलिस। तो ये हमारे ही जवानों से लूटे हुए हथियार रहते हैं या ये इनकी खुद भी कहीं से स्पॉन्सर्ड या कहीं से प्रोवाइडेड हथियार रहते हैं सर? 70-80% तो पुलिस से छीने हुए हथियार हैं, 20% जो है ये स्मगल्ड करके जो नेपाल बॉर्डर के थ्रू बिहार आते हैं, बिहार के थ्रू फिर आंध्र आते हैं, आंध्र के थ्रू फिर ये तेलंगाना आते हैं, तेलंगाना थ्रू बस्तर पहुंचते हैं या उड़ीसा के थ्रू भी बस्तर पहुंचते हैं। जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे उपाध्याय सर, इस वक्त नक्सल मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा अगला सवाल अजय जी से है और उसके बाद उपाध्याय जी मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, बहुत अहम जानकारियां आप दे रहे हैं। अजय सर, हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे 20 साल पहले उपाध्याय सर जब वहां पर आप पोस्टेड थे, जब उन चीजों को देख रहे थे, कितना भारी अंतर अब महसूस हो रहा है कि कैसे हम अब अपर हैंड पर हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं नक्सलियों से जब मुठभेड़ होती है? तो देखिए 80 के दशक के आसपास से लें आसिफ जी, तो एक कुछ घटनाओं के कारण एक अज्ञात भय माहौल प्रतिकूल बनाने में नक्सली सफल रहते थे ताकि उनका मोनोपोली बरकरार रहे। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आती गई, उपाध्याय जी जिस तरह से वर्णन भी किए कि पास्ट टाइम में क्या पोजीशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, सड़क नहीं थी, और जो लोकल जो समर्पित नक्सली हैं या फिर वहां के लोकल नागरिक जो हैं, तीसरी बात है एजुकेशन आया है, वो बाहर की दुनिया में जा रहे हैं, उन जंगलों में इन संगठनों के साथ में सम्मिलित होकर के अपना करियर नहीं खराब करना चाहते, और सबसे बड़ी बात विकास भाई जिस तरह से बातचीत किए कि अब वो डर नहीं है नक्सलियों में कि हम सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे तो हमें मार डालेंगे, उनको यह लगता है कि सरकार हमें प्रोटेक्ट करेगी। ये सब बातें हैं, और चौतरफा सरकार इसके ऊपर काम की है, सुरक्षा बल, हमारे फोर्स के मेंबर, और कैंपों का लगातार खुलते जाना, और बुनियादी जो कह सकते हैं फैसिलिटीज भी, चाहे सड़क हो, पानी हो, ये सब जो पहुंच रहा है, और उनकी रणनीतियों को स्पॉट में रहने के कारण, आप तो क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आसिफ जी, मैदान में जो जितना समय बिताएगा उतनी लंबी इनिंग और सफल इनिंग खेलेगा, ये हमारा सुरक्षा बल के प्रदर्शन से लग रहा है। जी अजय जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उपाध्याय सर, आपके इस चर्चा में ज्वाइन करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन की, TCOC की, और अब तक होता यह था कि पतझड़ के इस मौसम में जब विजिबिलिटी ज्यादा होती थी, नक्सली एग्रेसिव होते थे, वो मुखबिरों को टारगेट करते थे, टारगेट किलिंग करते थे, लेकिन ये मानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि इतना बड़ा जो आज ये ऑपरेशन, इतनी बड़ी जो कामयाबी, गुड न्यूज आई है, ये बिना लोकल इंटेलिजेंस के मुमकिन हो ही नहीं सकती। तो एक तरफ जहां गुजरे कुछ सालों में टीसीओसी में मुखबिर टारगेट पे रहते थे नक्सलियों के, आज उन्हीं के इनपुट से, शायद उन्हीं की हेल्प से, आज ये इतना बड़ा टीसीओसी के टाइम पीरियड में सुरक्षा बलों ने जाके डेंट किया है नक्सलियों को। बात आपका कहना सही है कि जो इनपुट मिलते हैं, इनपुट उस जमाने में भी मिलते थे, हम लोगों के जमाने में भी मिलते थे, लेकिन हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास रोड कच्चे थे, संसाधन कम थे, उतनी तेजी से हम लोग हिट करने के लिए इतने लंबे दूरों पर नहीं पहुंच सकते थे। जैसे अभी छोटे बेटियों की बात है, उस इलाके में मैंने काम किया 20 साल पहले और 3 साल उस इलाके में रहा हूं मैं, तो एक बार मुझे आदेश हुआ था कि आप इस इलाके में नदी को उस तरफ जाइए जहां नदी के आसपास एनकाउंटर हुआ। ये नदी कौन सी? कोतरी नदी। कोतरी,
ये मेंढकी नदी होगी शायद, अच्छा, जहां तक मेरा ख्याल है ये मेंढकी नदी है। जी मेंढकी नदी के किनारे पे छोटे बेटिया बसा हुआ है, और छोटे बेटिया से अंदर ये गांव में गए हैं जहां एनकाउंटर हुआ है। तो छोटे बेटिया के उस तरफ करीब 10 किलोमीटर दूर सितरम एक गांव है, और सितरम गांव उस जमाने में ये माना जाता था कि नदी के आप उस तरफ जाएंगे तो आप नक्सलियों के गढ़ में जा रहे हैं, और नक्सलियों में गढ़ जाने के लिए पखांजूर जो थाना है उस समय एक ही थाना हुआ था पखांजूर, और उसकी एक बांधे चौकी होती थी। तो पखांजूर से बांधे 22 किलोमीटर और बांधे से छोटे बेटी 18 किलोमीटर, टोटल हो गया 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर जब आप पहुंचेंगे उसके बाद आपको ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो आप सोचिए कि पैदल 40 किलोमीटर अगर पैदल फोर्स जाएगा और 40 किलोमीटर आएगा तो 100 किलोमीटर चलने की फोर्स की जो है कितनी शक्ति रहेगी उसकी। अभी क्या स्थिति है कि बांधे तक रोड बन गया है, छोटे बेटिया तक रोड बन गया, हमारा फोर्स जो है छोटे बेटिया में कैंप बन गया है, मतलब हम 40 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। तो हमको हिट करने में आसानी होती है। आज के जमाने में इनपुट उस समय भी मिलते थे, अच्छे इनपुट मिलते थे, और उस जमाने में हमने अच्छे इनपुट में बहुत सारी कार्रवाई की, मैंने भी बहुत सारी कार्रवाई की। मैं 3 साल उस इलाके में रहा हूँ, और उस जमाने में एंटी बेस्ट नेक्सलाइट ऑपरेशन का मैं बेस्ट ऑफिसर भी घोषित किया गया था, तो ये जानकारी है मुझे। हम लोग भी उस जमाने जहां ये बता रहे हैं वहां मैं सब पैदल घूम चुका हूं, और ये मेरा इलाका घुमा हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि चूंकि कैंप हमारे बढ़ गए हैं और रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, और इनपुट तो है ही, आज भी इनपुट है, तो बहुत अच्छी सफलता है, बहुत अच्छी सफलता है। इसको तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। MUV मल्टीलिटी यूटिलिटी व्हीकल, और जो आर्मर्ड हथियार आ गए हैं, आर्मर्ड जो व्हीकल आ गए हैं, क्या वो उस वक्त आपके पास आपके जमाने में थे, या अब वो हमारे सुरक्षा बलों के लिए कितने काम आ रहे हैं सर, तब जबकि लाइनमैन रहती हैं जगह जगह, IED प्लांट रहती हैं? देखिए ऐसा है कि व्हीकल तो उस समय भी थे, हालांकि कम थे, लेकिन मोस्टली हम व्हीकल का यूज इसलिए नहीं करते थे कि 2-4 बार ऐसी घटना हुई थी कि वो व्हीकल पूरे पूरे उड़ गए थे और उसमें बैठे हुए लोग जो थे वो पूरी तरह आहत हो गए थे या उनको मृत्यु मिल गई, कैजुअल्टी, हाँ कैजुअल्टी हुई थी, तो वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ऐसा नहीं था, तो हम लोग प्रयास करते थे कि मोस्टली इन व्हीकलों का तभी यूज हो जब लास्ट मोमेंट में कोई हमारे पास विकल्प ना रहे, नहीं तो मोस्टली हम लोग पैदल चल के या अपने अन्य तरीकों से बमों को डिफ्यूज करते थे, बमों की जानकारी लेते थे और फिर उसे आपसे कार्रवाई करते थे। हाल के कुछ महीनों या सालों में जिस तरह से फोर्सेस की तादाद बढ़ाई गई है, 80 कैंप के आसपास खुले, 2500 से 3000 एक्स्ट्रा फोर्सेस जवान हमारे वहां पहुंचाए गए, आपको लगता है कि इससे भी मनोबल गिर रहा है नक्सलियों का, क्योंकि शायद अब वो रफ्तार नए कैडर में नहीं है नक्सलियों की जो शायद आज से 2 दशक या 3 दशक पहले हुआ करती थी, और वो जो कथित विचारधारा है उसके दम पे नक्सली हल्ला बोला करते थे कि आइए और सरकार के खिलाफ लड़िए, लोकतंत्र असली है, इसको बचाइए। ये बात सही है, आपने जो बात निकाली है बहुत अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन होता क्या है कि कोई भी आदमी नक्सली बनने के लिए प्रेरित तब होता है जब उसका शिक्षा के तर नहीं रहता। ठीक बात। अभी वर्तमान में क्या है, गांव गांव में पुलिस पहुंचने से वहां के स्कूल चालू हो गए हैं, स्कूल में शिक्षा चालू हो गई, शिक्षा होने से आदमी का बुद्धि का विकास होता है, बाकी चीजों का विकास होता है, वो संसार से जुड़ता है। दूसरी बात, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था 20 साल पहले, आज इंटरनेट आ गया, तो बहुत सारी बातें लोगों को समझ में आने लगी कि हमको किस विचारधारा में जोड़ना है, क्या हमको मुख्यधारा में आना है। कई नक्सली ऐसे जो मुख्यधारा में जोड़ना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े लीडरों के डर के कारण वो मुख्यधारा में जोड़ना नहीं चाहते, डर से डरते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब लोगों में जागृति आ गई है, गांव में आ गई है और समाज में आ गई है, गांव में आ गई है कि ये मुख्य धारा से हमको जोड़ने में ही लाभ है, हमको इन नक्सली विचार बहुत खत्म हो रहा है। आखिरी 30 सेकंड अजय सर आपको देता हूं। सर बड़ी कामयाबी है लेकिन हमको चौकन्ना रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत सॉफ्ट टारगेट है लोकसभा चुनाव, पहले फेज में बस्तर और दूसरी सीट, दूसरे फेज में जहां कांकेर जहां ये एनकाउंटर हुआ है वही चुनाव भी है। फोर्स को या पुलिस को पर्टिकुलर सर्चिंग के दरमियान काफी अलर्ट रहना है, क्योंकि पास्ट टाइम में जो देखा गया है कि जब ये बौखलाए हुए होते हैं तो कुछ भी इस तरह का जघन्य कांड करना चाहते हैं, तो लेकिन अब जो उनका मनोबल गिरा हुआ है और हमारे फोर्स का मनोबल बढ़ा हुआ है, आज तो निश्चित रूप से फोर्स को के लिए बधाई और कांग्रेचुलेट करने का दिन है, और इससे कंप्लीट आप मान करके चलिए कि दूर दराज के और एरिया में और सरकार जो रणनीति बनाई है उसमें और इंप्रूवमेंट करते हुए और
आगे बढ़ने की संभावना बनती है आसिफ जी। ठीक सर, बहुत शुक्रिया है अजय चंद्राकर सर आपका, उपाध्याय सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमें, उस इलाके के बारे में जानकारी दी, उन तकनीक के बारे में जानकारी दी, हमें समझने के लिए हेल्प किया आपने, बहुत शुक्रिया उपाध्याय सर। अजय सर बहुत शुक्रिया, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे तीनों सहयोगियों का, विकास, नीलेश, नीरज और इसके अलावा जुल्फिकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।